दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्यानी आयतारा नावेली जाल्ल्या कार्यावळीन गोयच्या बायलांक खासा गॅरंटी दिली. दर म्हयन्याक बायलांक गृह आधार 1,500 आसा ते वाडून 2,500 दितले. दर बायल मनशाक जी 18 वर्सां वयर आसा तांकां म्हयन्याक 1,000 रुपया दितले. ह्या येवजणेचो गोंयच्या 5.5 लाख बायलांक फायदो मेळटलो. गोंयकारांनी हे सगळे करपाक आम आदमी पक्षाक गोंयांत संद दिवची म्हण केजरीवाल उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना. एम आर आई दैट्स द नेम. गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे. दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा. मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए. काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में. सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है? पैसे में ताकत होती है. होती है कि नहीं होती है? जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं. आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो. अगर हमारे हर महिला की जेब में 1,000 रुपए होंगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती. जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको इसकी क्या जरूरत है. हम ये ऑप्शन देंगे इस स्कीम में. जो जो नहीं चाहते इसको, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है, जिनको लगता है वो वर्किंग वुमेन है, उन्हें जरूरत नहीं है, दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम. जरूरी नहीं है सबको, बट वी विल मेक एन ऑफर टू एवरीवन. हम आपको फ्रेश चेहरे देंगे, फ्रेश राजनीति देंगे, ईमानदार राजनीति देंगे. आज गोवा के लोग वही मांग रहे हैं. गोवा तंग आ चुका है पुरानी पार्टियों से, गोवा तंग आ चुका है पुराने पॉलिटिशियन से. इस बार को सबको उठाकर फेंकना है. दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को 0 सीट दी थी, बीजेपी को 3 सीट दी थी. गोवा के लोगों को 0 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को दी थी.